हो हाँ तो इसको राइट साइड घुमा देंगे, ठीक है ठीक है। लेकिन जब राइट साइड अपन घुमाएंगे हाँ। तो ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा करेगा, नीचे ना के बराबर कूलिंग करेगा, नीचे मतलब ये यहाँ पे हाँ फ्रिज के अंदर इसकी कूलिंग वो ले लेगा ऊपर हाँ, मतलब यहाँ से एयर का फ्लो जाता है नीचे ठंडा करने के लिए तो पूरा रुक जाएगा। अच्छा तो कभी भी अपन बर्फ जल्दी जमा रहे हैं तो ऐसा इसको बर्फ करके, बर्फ जम गई जमने के बाद फिर इसको सेंटर में करना ना भूलें, नहीं तो नीचे का सामान खराब हो सकता है। ठीक है ठीक है। या कभी ऐसा हो रहा है नीचे कूलिंग कम लग रहा है, जैसे गर्मी में कभी 44 से ऊपर इन्वायरमेंट टेम्परेचर जाता है तो हो सकता है आपको लगे कि नीचे ठंडा कम कर रहा है, तो आप इस तरफ कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा, नीचे बहुत ज़्यादा करने लगेगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है इंदौर में अपने को चेंज करने की, इसको सेंटर में ही रखें हमेशा चलेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मेन कूलिंग का कंट्रोलर है नीचे ये वाला, देखो ये दिया हुआ है हाँ। 1 से 6 तक पॉइंट है हाँ। अपने को ठंड में 1 या 2 पे रखना है, नॉर्मल मौसम में 3 या 4 पे, और गर्मियों में 5 या 6 पे। ठीक है ठीक है। ठंड में 1 या 2, नॉर्मल हाँ। मौसम में 3 या 4, और गर्मियों में 5 या 6। आपको वो सामान रखना है जो ज्यादा चिल्ड रखना हो, जमाना नहीं। अच्छा जैसे बटर चीज पनीर हाँ बियर भी नहीं वो मत रखना हो, नीचे भी आप अगर धो रहे हैं तो कभी भी तुरंत निकाल के नहीं धोना। ठीक है तब तो थोड़ी देर रखे रहे जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब धोना है। ठीक है। वो क्या है यार उसमें लिखा हुआ? वो डिओडोराइजर करके है, स्मेल को खींच लेता है वो, एक मतलब फिल्टर टाइप लगा हुआ, खराब नहीं होता वो हमेशा के लिए। ठीक है। और ये देखो इसमें दिया हुआ है आपको पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। ये दिया हुआ है नेट वाले बैग लाना आप सब्जी के लिए, स्टैंड इसमें आपको लगाना नहीं है, ये दिया हुआ है। शोर और लेवलिंग की समस्या से बचने के लिए स्टैंड का उपयोग ना करें। और ये भी दिया हुआ है टेंशन से अपने को चलाना नहीं है। ठीक है। और इसमें ये आवाज़ आ सकती है अपन बिस्किट तोड़ते ना या पानी में प्रेस पे पानी छींटते उस टाइप की आवाज़ इससे आ सकती है, वो नॉर्मल फिनोमेना है। अच्छा मतलब कोई वो दिक्कत की बात नहीं।